हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट लगा है गोल्ड का। हम लोग चलकर देखते हैं किस तरीके से मॉर्निंग में ही आप लोगों को लवर्स बताया हुआ था और किस तरीके से परफेक्ट प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, सो गाइज आप लोग यहाँ लेवल मार्क कीजिए गोल्ड का। गोल्ड का आप लोग यहाँ लेवल मार्क कीजिए। लेवल है आपका 65,761। ठीक है, सेकंड लेवल है आपका 61 एंड 71। ठीक है, 61 एंड 71। थर्ड लेवल क्या है आपका 65,887। फोर्थ लेवल क्या है आपका 66,488। 66,488। आपका लेवल जो कि मॉर्निंग में ही आप लोगों को बताया हुआ था। अब आप कहोगे मैम कैसे मैं ट्रस्ट करूं कि ये मॉर्निंग में बताया हुआ था, करना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको प्रूफ करती हूँ। ठीक है, फिलहाल जो भी यहां से ट्रेड बनाए होंगे उनका जस्ट इसके नीचे का, इसके नीचे का जब ये लाइन है डबल लाइन और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका ऐसा कैंडल क्या होना चाहिए, ये रेड कैंडल, राइट। ये रेड कैंडल आपका एसएल और इस एसएल के साथ हमारा व्यू अपसाइड, 50% प्रॉफिट हम लोग यहां बुक करेंगे और 50% प्रॉफिट हम लोग यहां। ठीक है, और आपको तो यही पर ये कैंडल ही कंफर्म कर रहा है इतनी देर कैंडल कहां भाई अपने इस लेवल के ऊपर सस्टेन, देन डबल कंफर्म। ठीक है, और अभी फिलहाल यहां से आप देख रहे हो गोल्ड, गोल्ड में फॉल आ रहा है भाई। चलो ठीक है, आप लोग पहले 50% प्रॉफिट बुकिंग एरिया अचीव हो चुका है तो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। और एसएल कैंडल आपका ये कैंडल एसएल है, ये कैंडल एसएल के साथ व्यू हमारा अपसाइड का। अगेन अगर मार्केट यहां से रिटेस्ट के लिए आता है प्रेस लेवल के पास तो फिर आप लोग यहां से रेंज बना सकते हो यही रेड कैंडल एसएल के साथ। ठीक है, गोल्ड भी इसी रेड कैंडल एसएल के साथ आप अगेन यहां पर जब आ गए मार्केट इस तरीके से, यहां पर फिर से आपको एक ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ दिखेगा या फिर शैडो भी दिखा तो आप ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट गोल्ड यहां से फिर से अपसाइड। ठीक है, तो पहले तो ये लेवल मार्क कीजिए और ये जो भी लेवल है क्या आपको मॉर्निंग में ही दिया हुआ था तो ये प्रूफ कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहां पर और टेलीग्राम पर दिखा देती हूं। आप देख सकते हो ये रहा आपका लेवल, जाकर आप ये लेवल मैच कीजिए क्या ये लेवल आपको मॉर्निंग में ही दिया हुआ था। टाइम डेट यहाँ कॉलर पे आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम डेट आप यहाँ कॉलर पे देख सकते हैं 10:55 पर मॉर्निंग का ये स्क्रीनशॉट है फ्राइडे 22 मार्च, राइट। तो
तो ये इस तरीके से आपको मॉर्निंग में ही गोल्ड का लेवल्स बताया हुआ था और आफ्टर मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ है। जैसा कि आफ्टर मार्केट में एक स्क्रीनशॉट मार्केट आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बिल्कुल इस एरिया से मार्केट अपसाइड निकली है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको मॉर्निंग में ही सेंड किया हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या बताया हुआ है गोल्ड में, फिलहाल आपका बस यही पैटर्न है। ओके, हमारा यही रेड कैंडल एसएल के साथ व्यू हमारा अपसाइड है। ओके, तो 50% प्रॉफिट बुक एंड 50% होल्ड, 50% प्रॉफिट बुक हो चुका है आप लोगों का। 50% होल्ड, 50% कहां बुक कीजिएगा, तो अपने एस लेवल के पास। ठीक है, अगर विन या रीटेस्ट के लिए मार्केट यहां जाता है और विन वैल्यू बनाता है तो हमारा यही रेड कैंडल एसएल के साथ फिर से री एंट्री और फिर से मार्केट यहां से गोल्ड यहां से बम। ठीक है, मार्केट यहां से अपसाइड निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये रेड कैंडल को माइंड मेकअप करके रखिएगा और व्यू आपका अपसाइड का गोल्ड का। ठीक है, चलो यही अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी चलकर देख लीजिए आप लोग। पहले स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हैं। एनजी में प्रॉफिट हो रहा है, एनजी वाले प्रॉफिट हो रहा है। गोल्ड ट्रेड अपसाइड है। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करती हूँ, बिल्कुल। चलो सिल्वर भी आप लोग देख लीजिए। एनजी व्यू डाउन साइड है। ठीक है, कोई भी अपसाइड का ट्रेड मत बना लीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को गोल्ड काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट में फिर से बता दूं, यहां पर ये रेड कैंडल एसएल के साथ व्यू आपका अपसाइड है, राइट? तो अब हम लोग चलकर देखते हैं गोल्ड को सिल्वर से कंपेयर कैसे करते हैं और कंपेयर के थ्रू हम लोग किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग पहले लेवल मार्क कीजिए, सिल्वर का लेवल मार्क कीजिए। आप लोग यहां सिल्वर का लेवल मार्क कीजिए। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सिल्वर एंड गोल्ड को आपस में कंपेयर करके हम लोग फाइनल डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेवल मार्क कीजिए पहले सिल्वर का आप लोग। 74,076। ठीक है, सेकेंड लेवल क्या है आपका? 74,972। एंड लास्ट लेवल क्या है आपका? 76,096 और 76,332।
आपको सिल्वर में क्या करना है, आप देख सकते हो जब गोल्ड यहां से आप लोगों को अपसाइड का ट्रेड बता रहा था कि यहां से ये गोल्ड अपसाइड निकलने वाला है इस एरिया से, ये वाली एरिया से गोल्ड अगर अपसाइड निकलने वाला है तो जाहिर सी बात है सिल्वर डाउनसाइड नहीं जाने वाला था, राइट। सिल्वर भी इस एरिया से अपसाइड ही निकलेगा, इस एरिया से अपसाइड ही निकलेगा। तो आपको यहां पर जस्ट इसके नीचे का एसएल, यही रेड कैंडल एसएल के साथ आपका यहां से व्यू अपसाइड का रहेगा, राइट। ये रेड कैंडल एसएल के साथ हमारा व्यू अपसाइड, जब गोल्ड ऊपर तो सिल्वर भी ऊपर, तो सिल्वर आपका टारगेट अपने इस लेवल तक का दिया, ठीक है। अभी फिलहाल सिल्वर का क्या करना है, तो सिल्वर का व्यू अपसाइड रहेगा, ठीक है। गोल्ड का ये जो एसएल है, इस एसएल को कंसीडर कीजिएगा सिल्वर के लिए भी, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, गोल्ड का। और जब गोल्ड का लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गोल्ड के इसी एसएल के साथ, मतलब गोल्ड में अगर ऐसा रेड कैंडल बन गया तो सिल्वर से हम लोग एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं। सिल्वर भी व्यू हमारा अपसाइड का होगा। और टारगेट आपको कहां तक के लिए दे सकता है, तो ये अपने अपर लाइन तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है। और रिटेस्ट के लिए अगेन आया तो गोल्ड आपको इस एरिया में दिखा, यहां पर ये ग्रीन कैंडल बनाने आएगा तो उस केस में आपको सिल्वर भी रिटेस्ट के लिए इस एरिया के पास दिख सकता है, राइट। तो बस ध्यान ये रखना है कि हमारा गोल्ड का ही यही रेड कैंडल एसएल के साथ सिल्वर व्यू भी हमारा अपसाइड है, और इस तरीके से कंपेयर के थ्रू हम लोग सिल्वर और गोल्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, जो कि काफी हद तक सही रहता है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और परसेंटेज वाइज अगर 70% से अबव आपका एक्यूरेसी सही है कि हाँ आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, आप जैसे भी प्रेडिक्ट कर रहे हो उसके ही अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है, तो फिर ठीक है ना। तो इस तरीके से, और हाँ इस एरिया में फिर अगर आपको रेड कैंडल बनता हुआ दिखा तो इसे मैं हटाती हूँ, मार्केट फिर यहां से फॉल, ठीक है। और गोल्ड भी, गोल्ड वाले चार्ट पर भी मार्क कीजिए, रेड कैंडल दिखा तो फिर मार्केट यहां से फॉल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अभी फिलहाल मार्केट का व्यू अपसाइड है, क्रूड सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही दोनों का व्यू आप लोग अपसाइड रखिएगा। फाइनल एसएल अपने इस गोल्ड के लेवल को ध्यान में रखिएगा और ये रेड कैंडल एसएल होगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और शाम को एमसीएक्स मार्केट के लिए जरूर लाइव ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।